जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय की बदहाल सड़कों की स्थिति को सुधारने की मांग को लेकर बाजूमों कार्यकर्ताओं ने एक नए तरह का प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिषद के पास शारदा चौक से लेकर विवेकानंद मार्ग की जर्जर सड़कों पर बाजूमों कार्यकर्ताओं ने धान का पौधा लगाया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाजूमों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और जिले की बदहाल सड़कों को सुधारने की मांग की। सड़क जांजगीर शहर के सड़क को देखते हुए जहाँ भी आप जाएंगे जांजगीर सड़क जहाँ हर जगह गड्ढा है, गड्ढे के साथ साथ खेत जैसा माहौल हो गया। सड़क तो कम दिखाई दे रहा है, गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके विरोध में आज युवा मोर्चा ने और धान का रोपण कर और धनिया धान को एक तो किया नहीं है, धनिया का रोपण करके सरकार को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सड़क का धनिया बो दिया गया। आज युवा मोर्चा के अगुवाई में जांजगीर के जो सड़क है मुश्किल से 200-300 सड़क है, उन्हों ला कांग्रेस सरकार है बराबर मेंटेन नहीं कर पाते है। स्टेट बैंक के सामने वह सबसे व्यस्त रोड है, प्रतिदिन दो जन चार जन वो चिखला आपका ज्यादा है, गड्ढा आपका ज्यादा है कि प्रतिदिन दो जन चार जन लेडीज वन गिरते हैं माले ओकरे नाले के भूपेश बघेल के आंखी कुछ करके खुल जाएगी के आप धनिया और थरहा धान के बुआए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नेशनल हाईवे 49 जो जांजगीर से मध्य से गुजरी है उसके जीवन पूर्ण होने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है।